Your Honor. Your Honor. Section 375. Section 307 के अंदर हमने इनके मेडिकल बिल सबमिट किए हैं. Objection, sir. One second, बलात्कार. नहीं जाना चाहिए था मुझे. Emotional बयानबाजी की गुंजाइश नहीं होती. Your Honors, I must say that I envy the passion with which my young colleague speaks. I do not, however, envy the utter ignorance with which she speaks. Kisi bhi courtroom mein emotional bayanbazi ki gunjayish nahi hoti. Lawyers should stick to the facts, and the facts are these. The rape rate in India is 1.8, which means 1 lakh auraton mein se 1.8 auraton ko कभी अपनी जिंदगी में रेप का सामना करना पड़ सकता है. दुनिया की सबसे एडवांस्ड नेशन में वही नंबर 27.3 है. इंडिया से 15 गुना ज्यादा. इंडिया ग्लोबल रेप इंडेक्स पे 94th नंबर पे आता है. कन्विक्शन रेट है 25%. और जिस देश ने इंडिया पे 200 साल राज किया उनका कन्विक्शन रेट है 7%. इसलिए मिस गांधी, इस ऑनरेबल कोर्ट में खड़े होके मुझे मत बताइए कि मेरा देश रेप कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है. एज अ प्राउड एंड इन्फॉर्म्ड इंडियन मुझे बहुत तकलीफ होती है. मिस्टर सलूजा, ओपनिंग स्टेटमेंट कांट बी टर्न इनटू एन आर्गुमेंट. आई सीक द कोर्ट्स फॉरगिवनेस. योर ऑनर्स, मिस गांधी चाहती हैं कोर्ट इस बात पे कंसर्न हो कि हमारे देश में सिर्फ 25% रेप अक्यूज्ड गिल्टी पाए जाते हैं. मैं कहता हूं इस कोर्ट का कहीं ज्यादा कहीं बड़ा कंसर्न ये क्यों ना हो कि हमारे देश में 75% रेप अक्यूज्ड फुल जुडिशियल प्रोसेस के बाद इनोसेंट पाए जाते हैं. शी यूजेस द फ्रेज दे वॉक फ्री. योर ऑनर्स, कैन एनी मैन हैविंग बीन अक्यूज्ड ऑफ रेप ever walk free? The defense will prove ki honorable sessions court mein na to is case ke facts duly examined hue aur na hi witnesses ka cross examination tarike se hua. Furthermore, crucial evidence ko mishandle kiya gaya and the chain of custody was compromised. The act of rape was never committed on the person of Anjali Dangle. The defense will prove that the case of Rohan Ravi Khurana versus the state is a classic example of a woman using as a weapon the very law that was made to protect her. बोला याद है ना? जी हाँ, अतियूर से तीनों ने फरार होकर डॉक्टर से ट्रीटमेंट ली है. शिफा है नमा. ये रिपोर्ट आपने बनाई है? जी हाँ सर. तो आपको पता होगा इसमें क्या क्या लिखा है? नींद से जगा के पूछेंगे तो भी सब कुछ बता दूंगा. अच्छी तरह रट ली है क्या? तो थाने से लगभग कितनी दूरी पर है वो मेडिकल शॉप जहां वो फरार कैदी गए थे? उस दुकान का नाम ओम मेडिकल्स और सेल्समैन का नाम मिस्टर विनोद है. जो रट के आए हो वो नहीं सुनना है, सिर्फ सवाल का जवाब दो. सवाल है, पुलिस स्टेशन से मेडिकल शॉप कितनी दूर है? वो तो बस थोड़ी ही दूरी पर है. खैर वो छोड़ो. वो मेडिकल शॉप डॉक्टर महेश की क्लिनिक से कितनी दूर है जिन्होंने कैदियों का इलाज किया था? क्लिनिक पुलिस स्टेशन से कौन सी तरफ है? माय लॉर्ड्स, आई स्ट्रॉन्गली ऑब्जेक्ट. यहाँ पर काउंसिल विटनेस को डरा धमका कर गुमराह करने की कोशिश में लगा हुआ है. विटनेस कोई आम आदमी नहीं है, ये इंस्पेक्टर है, इस केस के इंक्वायरी ऑफिसर है. माय लॉर्ड्स, मैं खुद कंफ्यूज हो रहा हूं. अलाउ द काउंसिल टू प्रोसीड इन हिज ओन वे, डोंट इंटरप्ट, प्लीज सिट डाउन. बैठ जाइए. बोलिए. वो दरअसल मुझे पता नहीं और याद भी नहीं है. औरत, दोनों एक साथ बोल रहे हैं. एक महीने पहले की गई इंक्वायरी के बारे में भूल गए? मेरा मानना है कि आपने ये इंक्वायरी की ही नहीं, ये रिपोर्ट भी आपने नहीं बनाई. आई स्ट्रॉन्गली ऑब्जेक्ट टू दिस सजेशन. काउंसिल, आपने जो कहा उसे साबित कर सकते हो? माय लॉर्ड्स, मैं खुद दोनों जगहों पर गया था. डॉक्टर महेश का वो क्लिनिक जहां कैदियों का इलाज हुआ था स्टेशन से पूरब की तरफ 2 किलोमीटर पर है, लेकिन जहां से दवाइयां ली वो मेडिकल शॉप स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर पश्चिम की ओर है. मतलब ये 3 कैदी 2 किलोमीटर पूरब की ओर भागे, डॉक्टर के क्लिनिक में गए, वहां वो डॉक्टर से मिले, दवाई की पर्ची तक बनवाई और फिर वहां से पुलिस स्टेशन के सामने से 3 किलोमीटर भाग के मेडिकल शॉप जाकर दवाई खरीदी. इंस्पेक्टर बाश्यम की इंक्वायरी रिपोर्ट में यही लिखा है.
तो अब मुझे बताइए, वो वहां से फैशन शो के लिए निकले थे? अगर खुद छानबीन की होती तो ऐसी रिपोर्ट बनाते? नहीं, मैंने छानबीन की थी, नहीं जानता, याद भी नहीं। एक ही बहाना दीजिए। माय लॉर्ड्स, इंस्पेक्टर बादशम ने विलुपुरम एसपी को जो रिपोर्ट भेजी थी, ये उसकी जेरॉक्स कॉपी है। ये अथियूर पुलिस स्टेशन के राइटर वीरास्वामी की लिखी एफआईआर और चार्जशीट है। माय लॉर्ड्स, इधर उधर की पट्टी पढ़ाकर कौंसिल ने मेरे विटनेस को उलझा दिया है, और अब ये पेपर्स, इस केस का इन फोटोकॉपी से क्या ताल्लुक है? इसका जवाब तो आपके इंक्वायरी ऑफिसर ही दे सकते हैं। इस रिपोर्ट में आपकी जो हैंडराइटिंग है और राइटर वीरास्वामी की जो हैंडराइटिंग है, वो इतना मेल क्यों खाती है? सॉरी माय लॉर्ड, सहयोगी पुलिस वालों की मदद करने के लिए मैंने उनकी दी हुई रिपोर्ट पे दस्तखत कर दिए। आखिर तुम्हें पुलिस की नौकरी किसने दी? कोर्ट में झूठ बोलते शर्म नहीं आती? नॉनसेंस। बीपी, इस बारे में क्या कहोगे? अब मैं क्या कहूं माय लॉर्ड, आई हैव नथिंग टू से। இப்போ இந்த கோர்ட்ல என்ன சுத்தி இருக்கிற ஒவ்வொருத்தர் கண்ணியும் தெரியற வெறுப்பை கோவத்தை என்னால புரிஞ்சுக்க முடியுது. இந்த கேஸ் எவ்வளவு சென்சிட்டிவ் ஆனதுன்னு எனக்கும் தெரியும். ஒவ்வொரு வழக்கிலையும் சட்டத்துக்கான வாதங்களும் சாட்சிகளும் தேவைப்படுதே தவிர முழுமையான உண்மை தேவைப்படுதான்னு பார்த்தா மோஸ்ட்லி அப்படி இருக்கிறது. சில வருஷத்துக்கு முன்னாடி அசாம்ல ஒரு பொண்ணு ரேப் பண்ணி கொல்லப்பட்டா போலீஸ் வேக வேகமா ஒருத்தர் ஆதாரத்தோட குற்றவாளின்னு கண்டுபிடிச்சதா சொல்லி ஸ்டேஷன்ல வச்சு விசாரணை நடத்திட்டு இருக்கிறப்பவே கொலையாளி சிக்கிட்டான்னு நியூஸ் பார்த்துட்டு பொதுமக்கள் 500 பேர்கிட்ட சேர்ந்து ஸ்டேஷன் செல்ல உடைச்சு அவனை வெளியே இழுத்து நடு ரோட்ல அடிச்சே கொன்னாங்க. கொலை செய்யப்பட்ட பொண்ணுக்கு நீதி கிடைச்சதா சொல்லி மீடியாலையும் பக்கம் பக்கமா நியூஸ் எழுதினாங்க. ஆனா அந்த ஆள் அங்க வந்ததே சம்பவம் நடந்த அன்னைக்குதானும் ரேப் பண்ணப்பட்ட அந்த பொண்ணுக்கும் அந்த ஆளுக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லைன்னு பின்னால ஒரு என்கொயரி கமிஷன்ல ப்ரூவ் ஆச்சு. ஒரு நிமிஷம், இந்த கேஸ கூட இந்த கேஸோட கம்பேர் பண்றீங்க? இது என்ன உணர்ச்சி வசப்பட்டு முடிக்கப்பட்ட கேஸா? 15 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ப்ராப்பரா போலீஸால என்கொயரி பண்ணி முடிக்கப்பட்ட கேஸ் இது. இந்த வழக்கு விசாரிக்க சொல்லி ஏன் திரும்ப மனு போட்டாங்கன்னே தெரியல. சைக்கோ ஜோதிய பத்தி தெரியாதா சார்? அது நியூஸ்ல சொல்ற டம் சைக்கோ ஜோதினு கோர்ட்ல, அது நீங்க அப்படி சொல்றது மிகப்பெரிய தப்பு. ஹை கோர்ட் இந்த கேஸ ப்ராப்பரா விசாரிச்சு ஃபார்வர்ட் பண்ணிருக்காங்க. அது நீங்க கேள்வி கேக்குறது கண்டெம்ட் ஆஃப் கோர்ட், அதாவது நீதிமன்றத்தை அவமதிக்கிற மாதிரி. நீங்க உட்காருங்க சார், அவங்க முடிக்கட்டும். எல்லா சர்க்கம்ஸ்டான்ஷியல் எவிடன்ஸ் இந்த கமலேஷ் கண்டி மத்தே பண்டாரினே கேங் ரேப் மாடிதாரே அந்த ப்ரூவ் ஆக்தா இதே யுவர் ஆனர். சாரி டு இன்டரப்ட் மகாஸ்வாமி, நந்தினி வர்தன் அவரு அட்டெம்ப்ட் டு மர்டர் மத்தே ராபரி மாடிதாரே அந்த இவத்து பெளகே கம்ப்ளைன்ட் கொடு வந்திதனி. ಈ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇರೋರು ಕೇಸ್ನ ಮುಂದುವರ್ಸೋಗಿಲ್ಲ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿ. ವಾಟ್ ನಾನ್ ಸೆನ್ಸ್! ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಿರೋ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ನಂದಿನಿ ವರ್ಧನ್ ಅವರು ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ನುಗ್ಗಿದ್ದಾರೆ. 1 crore ಬೆಲೆ ಬಾಳೋ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಶ್ನ ದೋಚಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ನನ್ನ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್ ಅಡ್ಡ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್ಗೆ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ತಿವಿದಿದ್ದಾರೆ. ರಾತ್ರಿ 11 ಗಂಟೆಗೆ ನಂದಿನಿ ವರ್ಧನ್ ಅವರ ಕಾರು ನನ್ನ ಮನೆ ಎದುರುಗಡೆ ಬಂದಿದೆ. ಮೊಬೈಲ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಕ್ರೈಮ್ ಸೀನ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್ಗೆ ತಿವಿದಿರೋ ಚಾಕು ಮೇಲೆ ನಂದಿನಿ ವರ್ಧನ್ ಅವರ ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ನಂದಿನಿ ಅವರ ಕಾರು ಇಲ್ಲೇ ಕೋರ್ಟ್ ಪ್ರಿಮಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಪಾರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ. ಚಿನ್ನ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಶು ಎರಡು ಇರುತ್ತೆ, ಬೇಕಂದ್ರೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸಬಹುದು ಮಹಾಸ್ವಾಮಿ. ಏನಮ್ಮ ನಂದಿನಿ, ಇದೆಲ್ಲ ನಿಜನಾ? ನೋ ಯುವರ್ ಆನರ್, ಶನಿವಾರ ಸಂಜೆ ನನ್ನ ಕಾರ್ ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಕಳ್ತನ ಆಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಎಸ್ ನೋ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಂದ ಕೋರ್ಟ್ ನಡೆಯಲ್ಲ ಮಿಸ್ ನಂದಿನಿ ವರ್ಧನ್. ಕೋರ್ಟ್ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರ ಕೇಳುತ್ತೆ, ಅದು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದೆ. ನಾನು ಈ ಕ್ರೈಮ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಯುವರ್ ಆನರ್, ಸಾಕ್ಷಿ ಆಧಾರಗಳನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಹೋಲ್ ಬ್ಲಡಿ ಪಾಯಿಂಟ್. ಮಹಾಸ್ವಾಮಿ, ನಂದಿನಿ ಅವರಿಂದ ಸತ್ಯ ಬಾಯಿ ಬಿಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ನಾಟಕ. ಹೌದು, ನಂದಿನಿ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಕ್ರೈಮ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅಂತ ನಾನು ಸಾಕ್ಷಿ ಆಧಾರಗಳನ್ನ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬಲ್ಲೆ. ನಂದಿನಿ ಅವರು ಇವಾಗ ಈ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಅದನ್ನ ಸಾಬೀತು ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಿಮ್ ಹತ್ರ ಏನ್ ದಾಖಲೆಗಳು ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಕಮಲೇಶ್ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ ರೇಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಎವಿಡೆನ್ಸಸ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅದರ ಪರಿಶೀಲನೆ ಕೂಡ ನಡೆದಿದೆ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲೂ ಕಮಲೇಶ್ ಮತ್ತೆ ಅವನ ಸ್ನೇಹಿತರ ಮುಖಾನೇ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿ. ಇದೇ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಆ 3 ಜನ ಕಮಲೇಶ್, ಕಂಟಿ ಹಾಗೂ ಭಂಡಾರಿ ಆಗಿದ್ರು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲದೇನು ಇರ್ಬೋದು. ಕರೆಕ್ಟ್. ನೋಡಮ್ಮ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ಆಧಾರಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ 3 ಜನನು ಕ್ರೈಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಸಾಧ್ಯತೆನೂ ಇದೆ, ಹಾಗೇನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಸಾಧ್ಯತೆನೂ ತೆಗೆದುಹಾಕುವಾಗಿಲ್ವಲ್ಲ. ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಿ ಈ 3 ಜನನೇ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿರೋದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ಗಳು ಇಲ್ವಲ್ಲ. ದೀಪಕ್ ಜಿ, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್. ನೋ ಯುವರ್ ಆನರ್.
ना सिर्फ एक शब्द नहीं, अपने आप में एक पूरा वाक्य है योर ऑनर। इसे किसी तर्क, स्पष्टीकरण, एक्सप्लेनेशन या व्याख्या की जरूरत नहीं होती। ना का मतलब ना ही होता है। My client said no, Your Honor. And these boys must realize no ka matlab no hota. Usse bolne wali ladki koi parichit ho, friend ho, girlfriend ho, koi sex worker ho, ya aapki apni biwi kyun ho, no means no. And when someone says so, you stop. We'll take a short break. Uske baad court apna faisla sunayegi. The court believes that a beginning has been made in this case. Although Meenal Arora ke khilaaf 307 attempt to murder ke case mein gawah bhi the, evidence bhi, the court finds that there was grave provocation aur unke khilaaf 307 ke under jo charge tha usko dismiss karti hai. Section 320 324 ke under Meenal Arora, Falak Ali और एंड्रिया तारियांग के खिलाफ जो भी चार्जेस हैं वो नेचर में मोटिवेटेड और इसमें उनके खिलाफ कोई सॉलिड एविडेंस है नहीं। द कोर्ट फाइंड्स राजवीर सिंह गिल्टी अंडर सेक्शन 354 ऑफ आउटरेजिंग अ वुमन्स मॉडेस्टी, अंकित मल्होत्रा एंड रौनक आनंद अंडर 340 एंड द आईटी एक्ट. The court has decided to let Vishwajyoti Ghosh off with a warning. The court will set a further date for sentencing and announce the quantum of the sentence. Court is dismissed.